नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि कर्मचारियों के लिए आ गई है बहुत बड़ी खुशखबरी। वरिष्ठ पेंशन भोगियों को 5 साल बाद संशोधित पेंशन व 20% अतिरिक्त पेंशन मिली। पेंशन भोगी दे ध्यान। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि कौन सी सरकार ने अपने पेंशन भोगियों को खुश किया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार से रिटायर स्वर्गीय श्री राम कृपाल सिंह की पत्नी श्रीमती संजीरा देवी को 5 साल की देरी के बाद उनके संशोधित पेंशन मंजूर कर दी गई है। उन्हें बकाया राशि के साथ साथ 20% अतिरिक्त पेंशन का भी भुगतान किया गया है। श्रीमती संजीरा देवी, जो एक वरिष्ठ पेंशन भोगी है, उनको अब EPPO में स्वीकृत पारिवारिक पेंशन के साथ साथ अतिरिक्त पेंशन नहीं मिल रही थी। इसकी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 1 मार्च 2024 को पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। उन्होंने अपनी शिकायत का संबंधित मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से अनुसरण किया। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए विशेष अभियान में उनकी शिकायत को शामिल किया गया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें 6,02,000 रुपये का बकाया भुगतान किया गया। इसमें अतिरिक्त पेंशन भी शामिल है। जो पेंशनभोगी 80 साल या उससे ऊपर के होते हैं उनके 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाता है, लेकिन इसके केस में इसका भुगतान नहीं किया गया। इसकी शिकायत उन्होंने पोर्टल पर ही की, जिसको विशेष अभियान में शामिल करके उसकी समस्या को सुलझाया गया। यह मामला उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबे समय से अपनी पेंशन से जुड़े मुद्दों से जूझ रही है। यह दर्शाता है कि सरकार पेंशनभोगियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि पेंशनभोगियों को समय पर पूरी तरह से भुगतान प्राप्त हो। दोस्तों, इस मामले से कुछ प्रमुख बातें सामने आ रही हैं जो पेंशनभोगियों के लिए जानना बहुत जरूरी है। पेंशनभोगियों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पेंशनभोगी को मालूम होना चाहिए कि उनकी सही पेंशन कितनी है। अगर कम मिल रही है तो वह अपनी शिकायत पोर्टल पर कर सकते हैं। पेंशनभोगी अपने समकक्ष, रिटायर सहकर्मी और सेवार्थ कर्मचारियों से टच में रहे ताकि वर्तमान में क्या घटित हो रहा है यह उन्हें मालूम होता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।